बाबू हम आपको पहले बता दें कि आप ऐसे शब्द जो आपके किताब पढ़ने के क्रम में मिलते होंगे वहीं आप घबराते होंगे कि काश्तकार किसे कहते हैं, रैयत किसे कहते हैं, काबिल लगान किसे कहते हैं, भूस्वामी किसे कहते हैं, बैठ बेकारी किसे कहते हैं। जय हिंद जोहार, का हाल चाल है हो भाई वालोगिन। बाबू जेपीएससी पीटी का एग्जाम सामने है और जेपीएससी पीटी के लिए आयोग आपको ज्यादा समय नहीं दी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी पीटी का सबसे अधिक कठिन अध्याय समझा जाने वाला सीएनटी के बारे में आज हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न अर्थात 10 नंबर आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। चूंकि सीएनटी के बारे में इतना हल्ला बोल कर दिया गया है कि सीएनटी एक कठिन लेसन है, लेकिन वास्तव में कठिन लेसन नहीं है बाबू। सीएनटी एक भूमि संबंधित कानून है और भूमि संबंधित कानून में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो थोड़ा सा समझना आपको कठिन हो जाता है, क्योंकि आप भूमि संबंधित कानून के शब्दों को पहले बार देखे रहते हैं। अगर आप पहले भी कभी कभी देखे रहते तो शायद आपके लिए ये कठिन नहीं होता। तो आज इसके बाद आप ये कहना भूल जाएंगे कि सीएनटी भी एक कठिन अध्याय है। वास्तव में अंग्रेज अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं, वही है सीएनटी। इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए कि अंग्रेज अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं, यही है सीएनटी। और सीएनटी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है और मजबूरी में बनाया गया कानून है, क्योंकि आदिवासियों का डर था, क्योंकि वो जनजातियों का डर था। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत पे शासन किया, लेकिन झारखंड के जनजातियों पे वो शासन नहीं कर पाए। झारखंड के जनजातियों पे वो शासन नहीं कर पाए क्योंकि झारखंड की जनजातियों को स्वतंत्रता पसंद थी, किसी की शासन नहीं। आइए थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाते हैं। जब अंग्रेजों को दीवानी मामले का अधिकार मिला 1765 ईस्वी में, देखिए जब अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में दीवानी मामले का अधिकार मिला और दीवानी मामले का अधिकार 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का मिला, लेकिन झारखंड के आदिवासी कहते थे कि हम बिहार में नहीं हैं। बोले भैया हम बिहार में नहीं हैं, मेरा एक अलग क्षेत्र है। ये झारखंड के आदिवासियों का कहना था कि हम बिहार में नहीं हैं, हम लोगों का एक अलग क्षेत्र है। अब ये भी अपने हिसाब से सही बोलते थे क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, झारखंड जंगल झाड़ से भरा एक प्रदेश है और झारखंड में रहने वाले जितने भी आदिवासी थे उनकी वेशभूषा, उनकी खान पान, उनकी रहन सहन बिहार से नहीं मिलती थी, तो ये अपने आप को बिहारियों से बिल्कुल भिन्न मानते थे। तो उन लोगों का कहना था कि बिहार से हम लोग बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अंग्रेजों को जो दीवानी मामले का अधिकार मिला था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह का मिला हुआ था। बिहार मतलब झारखंड भी आ जाता था, लेकिन आदिवासी इसको मानने से इनकार कर देते थे कि हम बिहार के अंतर्गत नहीं हैं। लेकिन अंग्रेज को पता था कि ये तो क्षेत्र है वो बिहार के अंतर्गत है, तो हम अपना जो दीवानी मामले का मतलब ये होता है बाबू कि भूमि संबंधित जो भी टैक्स लेने होते हैं ना वो अब अंग्रेज लेंगे, और अंग्रेज को यह अधिकार 1765 ईस्वी में मिल गया था। और किन किन क्षेत्रों को मिला हुआ था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ये दीवानी मामले अंग्रेजों को मिल गया था। लेकिन झारखंडी लोग अर्थात झारखंड के आदिवासी लोग इसे मानने से इनकार कर देते थे क्योंकि हम बिहार के अंग नहीं हैं, हम लोग एक अलग क्षेत्र हम लोगों का है, क्योंकि बिहार से हम लोगों का ना तो वेशभूषा मिलता है, ना तो खान पान, ना ही हम लोग उनकी संस्कृति से हम लोगों की संस्कृति मेल खाती है। अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग बिहार के अंग नहीं है। लेकिन ब्रिटिश ये अंग्रेजों को तो यहां से कर से मतलब था, कर से ही ना मतलब था। अब इन लोग माने या ना माने, तो इसी चीज को
लेकर के 1767 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड के सिंहभूम में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वास्तव में अंग्रेज 1767 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूम में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य झारखंड से कर वसूलना नहीं था। अरे झारखंड से कहां ज्यादा कर मिल जाता, ऐसे यहां तो पठारी इलाका है, कृषि कार्य करने योग्य भूमि भी अधिक नहीं है, तो अंग्रेज यहां अपना दिमाग काहे लगाते। इन लोग झारखंड में प्रवेश इसीलिए किए थे क्योंकि इन लोग जब भी कभी कभी मराठों पे अगर आक्रमण करते थे या तो कभी इधर से आते थे तो बंगाल के नवाब मीर कासिम पे अगर कभी भी वो आक्रमण करते थे तो उन्हें झारखंड से ही होकर के आना जाना पड़ता था। मतलब झारखंड का क्षेत्र उन लोगों के लिए सिर्फ रास्ते के लिए ही काम आता था और ये उसका मुख्य उद्देश्य था, उस झारखंड के क्षेत्रों को रास्ते के रूप में काम लाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि उन्हें टैक्स प्राप्त करने की जो अधिकार मिल गई थी तो वो अलग बात थी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। उन लोगों अंग्रेजों को टैक्स प्राप्त करना उद्देश्य था, लेकिन झारखंड से टैक्स प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं था। झारखंड के धरती को सिर्फ एक सुगम रास्ते के रूप में प्रयोग करना ही मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि चाहे तो ये पश्चिम बंगाल आते थे तो मीर कासिम पे अगर आक्रमण करना होता था तो झारखंड से ही वो आते थे, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठों पर आक्रमण करना होता था तो वो झारखंड से ही जाते थे। अगर वो व्यापार के लिए वाराणसी, उस समय वाराणसी बाबू अपना बनारस उस समय व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था, अगर ये बनारस भी जाते थे तो झारखंड से होकर के ही जाते थे। लेकिन अगर दीवानी मामले मिल चुका था तो झारखंड में जो भी खेती वगैरह होती थी वहां से भी ये कर वसूलना कौन छोड़ेगा, हैं धन कोई छोड़ता है, तो ये धन छोड़ देंगे, नहीं छोड़े और नहीं छोड़े। और 1767 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 1767 ईस्वी में इन्होंने सिंहभूम में प्रवेश किया और उस समय सिंहभूम के राजा कर देने से मना कर दिए, और मना करेंगे भी काहे ना, जनजाति लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि अंग्रेज तुम अभी आया है, हम तोर से पहले आए हैं, तुम अभी आया है, हम तोर से पहले आए हैं, जिस जमीन का तुम टैक्स लेना चाह रहे हो ना, वास्तव में ये पहले बोलते थे क्या होता है टैक्स उक्स, जनजाति लोग बोलता था क्या होता है टैक्स उक्स, टैक्स उक्स के बारे में जनजातियों लोगों को पता रहेगा तब ना, तो जनजाति कहते हैं अंग्रेज तुम ये कानून हमें बताने के लिए आए हो, ये पहले जंगल हुआ करता था, ये जंगलवा को काट करके हम खेत वगैरह बनाए हैं और तू हमरे खेता से तू हमको पैसा मांग रहे हो। लेकिन बाबू सत्ता उस समय अंग्रेजों के हाथों में थी और बोलने से कुछ नहीं होता, और उस समय यही सिंहभूम के जो राजा थे, अच्छा अर्थात ये अभी ना उस समय ढालभूम का क्षेत्र हुआ करता था, अगर आप इतिहास के मैप को देखें तो ये ढालभूम का क्षेत्र हुआ करता था, ये ढालभूम का राजा ये टैक्स देने से इनकार किए तो इन्हें ले जाकर के अंग्रेजों द्वारा मिदनापुर में रख दिया गया, और एकर भतीजवा को यहां का राजा बना दिया गया। और एकर भतीजवा से पूछा गया कि तुम टैक्स दोगे, अंग्रेजों द्वारा पूछा गया तुम टैक्स दोगे, तो बोला ठीक है हम 5500 टैक्स देंगे, 5500 रुपया उनके भतीजा के द्वारा टैक्स दिया गया, और उसके भतीजा का नाम था जगरनाथ ढाल। वही 5500 रुपया अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देने के लिए सहमति जताता है, मतलब वो मान जाता है, मजबूरी में मान जाता है, लेकिन लगातार वो भी विरोध करता है। बाबू हम आपको पहले बता दे कि आप ऐसे शब्द जो आपके किताब पढ़ने के क्रम में मिलते होंगे वहीं आप घबराते होंगे कि काश्तकार किसे कहते हैं, रैयत किसे कहते हैं, काबिल लगान किसे कहते हैं, भूस्वामी किसे कहते हैं, बैठ बेकारी किसे कहते हैं। आप जेपीएससी पीटी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस ऑफिशियल ऐप का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इस बार आपको जेपीएससी
पीटी में सफल होना है तो एक अच्छे मार्गदर्शक की आपको अति आवश्यक होगी, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और इस बार मेरी भी जिद है, क्योंकि आपके सपने में ही मेरा सपना छुपा हुआ है। अगर आपका सपना नौकरी प्राप्त करना है तो मेरा सपना आपको नौकरी दिलाना है। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ लगातार हम दिन रात आप लोगों को ऐप पे वीडियो दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग का ये अपना एक कर्तव्य भी है कि एग्जाम्स आने से पहले आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करवा के आपको हम कुछ रिवीजन भी करवा दें। समय तो बहुत कम दिया गया है, हालांकि हम लोग पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर लेंगे। जहां आपको कंप्लीट वीडियो दिए जाएंगे, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट आपको MCQ दिए जाएंगे और आपको अलग से कोई बुक वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सारी चीज आपको यहीं दे दिया जाएगा। तो यही हम बता रहे थे कि पहले तो किसान जो अपना टैक्स कलेक्शन करने की जो थी वो ये सिस्टम हुआ करती थी, हालांकि अब तो जमींदारी की प्रथा हटा दी गई। अब डायरेक्ट सरकारें हम लोग से पैसा ले लेता है, अब डायरेक्ट सरकारें हम लोगों से पैसा ले लेता है। जाइए ऑनलाइन कीजिए, रसीद कटाइए, सरकार के पास पैसा पहुंच जाता है अपना। पहले अंचल वगैरह में पहले ये सारी चीजें होती थी, रसीद कटाओ, CEO के पास जाओ, लेकिन अब तो कैफे वाला ऑनलाइन मार देता है, है ना। तो यही थी बाबू। और पहले और जब जमींदारी व्यवस्था आ गई, जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। जब जमींदारी व्यवस्था लाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पहले क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, अब वहां जमींदार को बैठा दिया गया। मतलब जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स वसूलेगा। यही बतिया देखी हो अंग्रेजवा, अरे अंग्रेजवा इसको जानता है कि तुम कहां से टैक्स लाओ, सो ना जानते हैं हम। और ये टैक्स वाला आता है किसान से, मतलब समझिए सीधा सीधे आदिवासियों से, किसानों से। अब ये किसान जो है टैक्स पहुंचाता है जमींदार को, और जमींदार जो है टैक्स पहुंचाता है ब्रिटिश सरकार को, और इसके बदले इन्हें भूमि भी दी जाती है। पैसा वगैरह नहीं, लेकिन इसको भूमि दी जाती है। और ऐसा ही प्रक्रिया चलते रहती है, लगातार किसानों के साथ शोषण होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि जितना भूमि पे उपज नहीं होता था उससे ज्यादा ब्रिटिश सरकार टैक्स मांग लेता था। अब ये तो अति हो गया था। अब किसान दे तो टैक्स कहां से दे, और अगर टैक्सवा ना दे पाता था तो ऐसे में इसका जमीन को नीलामी कर दिया जाता था। अब ये तो ढेर प्रताड़ना किया जा रहा था। इस स्थिति को देख करके उस समय एक ईसाई कमिश्नरी चलता था, वही ईसाई कमिश्नरी आदिवासियों को सपोर्ट के लिए बात कर रहा था, लेकिन अंततः ये भी ईसाई कमिश्नरी जा करके अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। अंग्रेजों का ही तो काम था बाबू, फूट डाल दो और शासन कर लो। तो ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज जो हैं वो ईसाई कमिश्नरी को अपने में मिला लेते हैं, और ये जो जनजाति होते हैं फिर अकेले हो जाते हैं। और सिर्फ टैक्स लेने तक की ही बात अब नहीं रही थी, अब इन लोगों का मन और बढ़ गया था अंग्रेजों का, और जनजातियों पे लगातार शोषण किया ही जा रहा था। अब धीरे धीरे वन कानून से संबंधित भी आदिवासियों के लिए कानून अंग्रेजों द्वारा बना दिया गया था। वन, चूंकि वन जो है वो आदिवासियों के लिए प्रिय है, अब एक वन के लिए कानून बना दिया गया। संस्कृति पे भी इन लोगों का छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिए अंग्रेज, साथ ही साथ अब बहु बेटियों के इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिए। अब ऐसी स्थिति में आदिवासियों से रहा नहीं गया और वो आंदोलन करना शुरू कर दिए। और वही आंदोलन का रूप पौल विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा, 1831 से 1832 तक चला। यही कौल विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किया गया था, और आदिवासियों का सबसे पहला संगठित आंदोलन जो था वो कौल विद्रोह ही था। कौल विद्रोह जब प्रारंभ हो गया तो ये कौल विद्रोह थम नहीं रहा था। अब अंग्रेज परेशान हो चुके थे कि रे कौल विद्रोह थमे का कैसे, आदिवासी हम लोगों का सुन ही नहीं रहे हैं, जहां भी हम लोग शासन कर रहे हैं उस जगह पे भी शासन करने नहीं दे रहे हैं, इन लोग चाहते क्या हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश के जो दो अधिकारी हैं लिस्टर और
हॉफमैन इन लोग इस चीजों पे गहन अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं और इन लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो आदिवासी हैं वो अपना भूमि का अपना मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं, भूमि संबंधित विवादों को खत्म करना चाहते हैं, जो हम लोग उसके भूमि के लिए टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, जनजातीय विद्रोह पर तभी नियंत्रण किया जा सकता है जब हम लोग उसके भूमि को लौटा देते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जनजातियों के आंदोलन को कम करने के लिए या तो शांत करने के लिए जनजाति की जमीन के लिए एक कानून बनाने की बात करते हैं और उसका एक रूपरेखा तैयार करने का काम हॉफमैन करते हैं। हॉफमैन करते हैं और ये ब्लूप्रिंट मतलब प्रारूप तैयार करने का काम करते हैं और सर्वेक्षण करने का जो काम देते हैं वो एक अधिवक्ता को देते हैं जिस अधिवक्ता का नाम होता है लोकनाथ और जिसकी मृत्यु 1862 ईस्वी को हो जाती है। वो लगभग 427 गांवों का सर्वेक्षण किए थे। सर्वेक्षण ये किए थे कि कौन कौन जनजातियों की भूमि है, अगर हम लोग जनजातियों की भूमि को अलग साइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, बाकी जमीनों पर तो हम लोग टैक्स ले ही सकते हैं, तो ये जनजातियों की जमीन को साइड कर दिया जाए ताकि उन लोग के आंदोलन को रोका जा सकता है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। लोकनाथ जो अधिवक्ता थे जो इस जमीन का सर्वेक्षण कर रहे थे और टोटल 427 गांव का ही सर्वेक्षण किए थे, उसके बाद इसके जगह पे एक स्पेशल कमिश्नर को नियुक्त किया गया और जिस कमिश्नर का नाम था राखाल दास हल्दर, जिन्होंने टोटल 2482 गांव का सर्वेक्षण किया। और ये जो कार्य चला था वो 1 अप्रैल 1869 ईस्वी से लेकर के 21 मार्च 1880 तक चला था, अर्थात इन्हें रिपोर्ट तैयार करना पड़ा था। अंततः 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी को भारत सरकार के गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति मिल गया था और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को यह कानून लागू कर दिया गया, जिसमें कुल अध्याय 19 थे और धारा 271 थे। ध्यान रखिएगा यह नियम जमींदार और काश्तकार पर प्रभावी होता है। ये भी क्या होते हैं काश्तकार, मतलब समझिए किसानी का काम करने वाले ही काश्तकार ही होते हैं और ये जमींदार और काश्तकार के बीच का ये कानून है CNT जो आप अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द अगर आप किताब पढ़ रहे हो या तो आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि खुटकट्टी जमीन किसको कहते हैं। बाबू पहले झारखंड जो था वो जंगल झाड़ से भरा हुआ ये झारखंड मुंडाओं द्वारा साफ किया गया। अगर मुंडाओं द्वारा साफ करके खेत बनाया गया या तो जमीन बनाया गया तो वो मुंडाओं द्वारा बनाए गए जमीन को हम लोग कहते हैं मुंडाओं की जमीन को कहते हैं हम लोग खुटकट्टी जमीन। अगर वही जंगलवा को साफ करके उराव द्वारा बनाया गया जमीन को तो हम लोग कहते हैं भूई हरी जमीन। ये गलत है, ये होगा भूई हरी जमीन। मतलब उरांव द्वारा बनाया गया जमीन को हम लोग भूहरी जमीन कहते हैं, मुंडाओं द्वारा बनाए गए जमीन को हम लोग खुटकट्टी जमीन कहते हैं, राजाओं की जमीन को राजहंस जमीन कहते हैं, जमींदारों की जमीन को मंझियस जमीन कहते हैं और अपना सदानों की जमीन को हम लोग कोड़कर जमीन कहते हैं। हालांकि कोड़कर जमीन सदानों की जमीन नहीं कह सकते हैं, वो कोड़कर जमीन किसी की भी जमीन हो सकती है, चाहे वो जनजातियों की हो सकती है, चाहे वो सदानों की हो सकती है। बाबू सदान वैसे लोग होते हैं जो होते तो बाहरी लोग हैं लेकिन झारखंड में आकर के बस गए हैं, ऐसा नहीं कि लूट करके वो वापस चले गए हैं। जो लूट करके वापस चले गए उसे हम लोग दिक्कू कहते हैं और जो आए बाहर से और झारखंडे में रह गए हैं उसे हम लोग सदान कहते हैं। तो ऐसे कोड़कर जमीन वो जमीन होता है जो कभी ऐसे टाड़े था, उसमें कुछ होता नहीं था, उसे कोड़ करके खेती लायक बनाया गया हो वैसे जमीन को हम लोग कोड़कर जमीन कहते हैं। मतलब कोड़ करके बनाया गया उपयोगी जमीन को हम लोग कोड़कर जमीन कहते हैं। आगे कुछ ऐसे और शब्दावली हैं, जैसे कास्त किसे कहते हैं। कास्त का मतलब होता है खेती, कास्त का मतलब होता है खेती।
शायद आपको ना दिख रहा हो। काश्तकार, काश्तकार वो होता है जो जमींदार के अधीन दूसरे जमीन, जैसे हम जमींदार हैं और आप हमसे जमीन ले रहे हैं, तो आप काश्तकार हुए, हम जमींदार हुए, हमसे ना आप जमीनवा लिए हैं, तो आप जमींदार, हम हुए जमींदार और हमसे आप जमीनवा लिए, तो आप हुए काश्तकार, यही समझिए। और यही चीज वह यहाँ लिखल गेल है, यही चीज वह यहाँ लिखा गया है। देखिए कि जो जमींदार के अधीन दूसरे जमीन धारण करके जमीन के बदले कर देता है, हम जमींदार हैं आप हमसे जमीन लिए, अरे जमीन लिए तो कर देवे ना करिएगा, तो वही बतिया है कि आप हमसे जमीन लिए हैं और आप जमीन के बदले आप हमको कर दे रहे हैं, पैसवा दे रहे हैं, तो आप काश्तकार हुए क्योंकि जमीनवा आप ले रहे हैं। रेत का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति खेती के लिए जमीन धारण करता है, हम जमींदार हैं है ना, और खेती करने के लिए आप जमीन लेते हैं, तो वो रेत कहलाता है। अब देखिए काश्तकार में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप उस जमीन के, जमीन पर खेती ही करेंगी, लेकिन रेत ये जरूरी होता है कि अगर आप हमसे जमीन ले रहे हैं तो उस जमीन पे आप खेती ही करेंगे, और जब जमीन पे खेती करेंगे उसके बदले हमें आप टैक्स देंगे, उसी को हम लोग रेयत कहते हैं। चास का मतलब खेती या जोत होता है। काबिल लगान, काबिल लगान ये होता है कि वैसी जमीन जिस पे टैक्स लिया जा सकता था लेकिन लिया नहीं जाता है, मतलब काबिल, मतलब वो जमीन टैक्स के काबिल था, टैक्स लेने योग्य था लेकिन टैक्स नहीं लिया जाता है, उसी को हम लोग काबिल लगान कहते हैं। टैक्स लिए लायक जमीन लेकिन टैक्स नहीं लिया जाता है। भूस्वामी क्या है, वैसा व्यक्ति या तो वैसा काश्तकार जो जमीन, जमींदार से जो है तुरंत तुरंत अभी जमीन धारण किया है, वैसा काश्तकार जो अभी, काश्तकार किसे कहते बाबू, जमीनवा को लेने वाला, जमींदार से जमीनवा को लेने वाला को काश्तकार कहते हैं। रेयत भी उसे, उसी को कहते हैं समझिए, लेकिन रेयत का मतलब यह हुआ कि जमीनवा अगर वो लिया तो वो खेती करेगा ही करेगा, उसे हम लोग रेयत कहते हैं। लेकिन काश्तकार का मतलब ये होता है कि जमींदार से जमीन तो लिया लेकिन जरूरी नहीं कि वो खेती वो जमीनवा पे करेगा, कि जमींदार बलपूर्वक मतलब अपने ताकत के हिसाब से लोगों से काम करवा लेता है और काम करवाने के बदले कुछ ना देता है, उसी को हम लोग कहते हैं बैठ बैरागी। जमींदार द्वारा फ्री में रेयत से काम करवा करके पैसा ना देना। जामाबंदी, जामाबंदी क्या होता है ना, पहले टैक्स वगैरह का पहले बड़ा हिसाब रहता था, खाता बही रहता था, यह रजिस्टर टाइप से, उसी को हम लोग कहते हैं जमाबंदी। नेक्स्ट है बैठ खेता। बैठ खेता ये होता है कि राजा का कोई काम है और अगर आप उस काम को करने में राजा को सहायता कर देते हैं तो राजावा खुशी होकर के आपको जमीन देगा, और वही जमीनवा को हम लोग बैठ खेता कहते हैं, मतलब बैठ, बैठले बैठले आपको खेत मिल गया, थोड़ा सा मदद किए ना राजावा को, अब तो आपको उस जो राजा द्वारा खेत दिया जाता है उसी को हम लोग बैठ खेता कहते हैं, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, मतलब हमेशा हमेशा के लिए आबाद हो जाता है। एक होता है बकसत या बकासत। बकासत ऐसी रेती जमीन होती है लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देंगे, बकासत ऐसी जमीन होती है, वो होती है तो आपकी ही जमीन, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो वो जमीनवा जमींदार को अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आप भी अभी घर बनाए होंगे तो रेतीय जमीनवा बनाए होंगे बाबू, अब रेतीय जमीनवा अगर बनाए होंगे तो आप भी तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं ना, अरे अपना रसीद तो कटा रहे हैं, वही तो हुआ टैक्स, टैक्स दे रहे हैं, अगर टैक्स ना देंगे तो वही जमीनवा सरकार ले जाएगी। नेक्स्ट है भुगुत बंद, फसल मोग बंद या जर पेशगी या तो खाई खलासी, ये सभी अगर किताबों में आपको ये वड़वा मिले तो इसका सबका मतलब एक ही होता है कि अगर कोई आपसे पैसा ले लिया,
उसके बदले आप खेत उसका ले लिए, वही होता है भुगत बंध। गांव घर में चलता है, गिरवी रखाता है कि आप मेरा जमीनवा रख लीजिए, इतना पैसा हमको जरूरत है तो आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, यही होता है भुगत बंध। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के जमीन को खाली 7 साल तक रख सकता है, 7 साल के बाद उसे वापस आपको लौटाना पड़ेगा। वो अगर पैसा भी ना दे आपको तभी आपको लौटाना पड़ेगा, और कोई सूद ब्याज वगैरह नहीं देगा। वो 7 साल के लिए आपको दे दिया, सो क्या दिया? खरपोश या खोपरपोश क्या होता है? खरपोश या खोपरपोश क्या होता है? खरपोश या खोपरपोश वो होता है, मान लिया जाए एगो कोई राजा है, अब राजा मर गया तो ओकर बड़का बेटवा को उसका पद जाएगा, राजा का पद, लेकिन और 2-3 वो बेटा है, वो कैसे कमाएगा खाएगा? तो उसको ओकर बड़का बेटवा के द्वारा अपना छोटका भाई बहन को 2-2 4-4 20-20 40-40 गांव दे दिया जाता है कि जाओ अपना भरण पोषण तुम इसी से टैक्स ले करके करना। तो यही होता है आपका खरपोश या खोपरपोश। राजा के भाई को भरण पोषण के लिए दी जाने वाली जमीन, जमीन दिया जा रहा है तो इसी से टैक्स लेगा। ये लाख राज मालिक क्या होता है? लाख राज मतलब मालिक मतलब होता है ये अपना जमीन जो कर नहीं देता है। अगर ऐसा शब्द आपको किताब में मिले कि लाख राज मालिक क्या होता है, मतलब वही मालिक अपने जमीन का मालिक को ही लाख राज मालिक कहते हैं, वो किसी को टैक्स नहीं देगा क्योंकि उसको खुद की वो जमीन होती है। राजहंस जमीन के प्रकार, राजा की जमीन को राजहंस जमीन कहते हैं। और राजवा का जमीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है छत्तीसा, छत्तीसा वैसा जमीन जो ज्यादा उपजाऊ होता है, वैसा जमीन जो ज्यादा उपजाऊ होता है और ज्यादा उपजाऊ होता है और इस पे ज्यादा टैक्स भी लिया जाता है ना। ये उठकर जमीन ये होता है, ये थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है, और अगर ये कम उपजाऊ होता है और इस पे तब टैक्स लिया जाता है राजा के द्वारा किसी भी व्यक्ति से, जब इस पे बढ़िया से जब फसल हो जाती है, और इस पे जो टैक्स होता है वो कम होता है किसके तुलना में, तो छत्तीसा जमीन के तुलना में। कोड़कर जमीन वही होता है कि कोई भी जमीन जो उपजाऊ नहीं है उसे अगर आप कोड़ करके, गैता वगैरह से कोड़ के, चपरा वगैरह से कोड़ करके उस जमीन को आप खेती लायक बनाते हैं, उस जमीन को कोड़कर जमीन कहते हैं, उस जमीन को कोड़कर जमीन कहते हैं। देखिए अब भुईहरी जमीन का भी प्रकार होता है। भुईहरी जमीन किसको कहते हैं? तो उराव के जमीन को भुईहरी जमीन कहते हैं। उराओं की जमीन को भुईहरी जमीन कहते हैं। हम आपको बताएं कि जंगल झाड़ से भरा ये झारखंड, उराव अगर उस जमीनवा को साफ करके खेत बनाया या बारी बनाया तो वो होगा भुईहरी जमीन, अगर मुंडा बनाया तो खुटकट्टी जमीन या तो खुटकट्टी खेत, अगर मुंडा खेत बना दिया तो खुटकट्टी खेत, मुंडाओं द्वारा गांव बसाया गया तो खुटकट्टी गांव, ठीक है। भुईहरी महतो जमीन क्या होता है? भुईहरी महतो जमीन ये होता है कि भुईहरी के समाज में एगो उस समाज को संचालित करने वाला एक व्यक्ति होता है, संचालित करने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात उस समाज को संचालित करने वाला एक हेड व्यक्ति होता है, जिसे हम लोग अभी गांव में मुखिया कहते हैं, लेकिन भुईहरी लोग उसी को महतो कहता है। और उस संचालित करने के बदले उसको जो जमीन दी जाती है, वो मैन अदमिया को जो समाज को संचालित करता है उसी को हम लोग कहते हैं भुईहरी अपना महत्व जमीन। एक होता भुईहरी पहनई जमीन। उराव जनजाति में जो पूजा पाठ करवाता है और उसके पूजा पाठ करवाने के बदले जो जमीन दी जाती है उरावों द्वारा, उस जमीन को हम लोग भुईहरी पहनई जमीन कहते हैं। पहनई इसलिए क्योंकि पाहन जो होता है ना, हम लोग के यहाँ पंडित ना पूजा कराता है, लेकिन उरावों के यहाँ पाहन पूजा कराता है, इसलिए पाहन को दी जाने वाली जमीन को हम लोग भुईहरी पहनई कहते हैं। पन भरा क्या होता है? पन भरा जब कहीं मीटिंग वगैरह होता है ना, तो पानी उनी पिलाने का जो आदमी काम करता है, सेवा सत्कार करता है मीटिंग में, सबको पानी उनी नाश्ता उस्ता जो देता है, हालांकि नाश्ता उस्ता पहले कहाँ देगा, पानी उनी जो देता है उसी को हम लोग पनभरा कहते हैं। पनभरा के लिए पनभरा जमीन दी जाती है उसके उस कार्य के लिए। भुईहरी डाली कटारी, देखिए उरावों में जो पूजा पाठ करने के बदले पाहन को जो जमीन दी जाती है, पूजा पाठ करने के बदले, ध्यान रहे, पूजा पाठ करने के बदले जो जमीन दी जाती है उस जमीन को भुईहरी डाली कटारी कहते हैं। भुईहरी भूत खेता,
ये भूहरी भूत खेता क्या होता है, ये भी पाहन को ही दिया जाता है, लेकिन भूत पिशाच को भगाने के लिए जो जमीन, देखिए भूत पिशाच को भगाने के लिए जो जमीनवा दिया जाता है उसी को कहते हैं भूहरी भूत खेता, और जो पूजा पाठ करवाने के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग डाली कटारी। ठीक है, डाली कटारी, बाकी चीजें आप तो समझ ही गए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं, पहले हम आपको बताएं किसी एंटी एक्ट में अध्याय भी हैं और धाराएं भी हैं। तो पहला अध्याय में तीन धाराएं हैं, जैसे आपने संविधान के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मान लिया जाए भाग थ्री में, तो भाग थ्री में भी तो कुछ अनुच्छेद हैं, हैं? भाग थ्री में 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह यहाँ भी वैसा ही है। अध्याय एक में धारा एक से तीन तक आता है, धारा एक बताता है परिभाषा, परिभाषा यही कि कहाँ कहाँ सी एंटी एक्ट लागू होगा। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल में 4 प्रमंडल में जो है वो सी एंटी एक्ट लगता है, सी एंटी एक्ट लगता है। जैसे अगर हाँ आप केवल आप संथाल परगना प्रमंडल मंडल को छोड़ दें, संथाल परगना परमंडल को अगर छोड़ दें, बाकी जो बचते हैं उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, कोल्हान परमंडल और आपका पलामू परमंडल, ये चारों परमंडल पे आपका सीएनटी एक्ट लगता है। ठीक है, तो यही यहाँ परिभाषा धारा एक में है कि यहाँ ये मतलब चारों प्रमंडल में सीएनटी एक्ट लगेगा, साथ ही साथ नगर पालिका का जहां भी क्षेत्र होगा वहां भी लगेगा, साथ ही साथ छावनी बोर्ड पे भी जहां जहां छावनी, रामगढ़ में ही ऐसे छावनी बोर्ड है झारखंड में, तो रामगढ़ में जो छावनी बोर्ड है वहां भी सीएनटी एक्ट का नियम लगेगा। तो यही धारा एक में है, बाकी आगे की क्लास में हम आपको बताते ही रहेंगे धारा दो धारा तीन। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या जेपीएससी पीटी से संबंधित शाम को लाइव क्लासेस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे वो क्लास चलानी चाहिए या नहीं, आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है बाबू। तब तक आप लोग रखिएगा अपना ध्यान, और ध्यान रखिएगा कि ये कोर्स फुल ना हो जाए इससे पहले आप एडमिशन ले लेंगे, इससे पहले आप एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि बाबू अगर फुल हो जाती है तो वहाँ सर्वर का भी चार्ज देना होता है, वो सर्वर का चार्ज फिर आप पे जुड़ेगा ना। इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। तो ठीक है, हो छुआ लोग इन बाबू मिलो ही है बाद में हो, तब तक रखे हो अपन ध्यान।